हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है नगर महापालिका की तरफ से, राजस्थान नगर महापालिका की तरफ से। यहाँ पे से असिस्टेंट टाउन प्लानर और सीनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही हैं। दोनों ही पोस्टों के लिए सिविल इंजीनियर कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। 128 वैकेंसीज निकल के आ रही है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कम्प्लीटली एलिजिबल हैं, डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म को भरना कैसे है, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, हर चीज़ को हम यहाँ प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड ISO सर्टिफाइड चैनल। हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे जॉब अपडेट लाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आप अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गेट और ES की तरफ, अगर ES के लिए तो अन अकेडमी पे हर वीक आपके लिए नए नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नया बैच स्टार्ट हुआ है जो कि डी बैच है, जो कि 11 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से प्रॉपर। यहाँ पे आपको 800 आवर्स की लेक्चर सीरीज मिल जाती है, इसी के अलावा रेगुलर डाउट सेशंस मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है अन अकेडमी का। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर्स वाले यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोपहर के 1 बजे आपकी FM स्टार्ट हुई है और यहाँ पे शाम के 4 बजे आपकी सर्वेइंग स्टार्ट हो रही है। फाइनल ईयर और फ्रेशर वाले दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है अन अकेडमी का, और हर संडे सुबह 11 बजे अन अकेडमी पे अन अकेडमी कॉम्बैट होता है जो कि इंडियाज लार्जेस्ट वीकली कॉम्पिटिशन फॉर गेट है। 60 मिनट में आपको 20 सवाल करने होते हैं, गेट के ओरिजिनल और चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, लाइव होता है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होता है, और हर एक टेस्ट के बाद उसका डिटेल वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। यहाँ पर एनरोल करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और मेरा कोड CED140 यूज़ करना है, बाकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी है। बात कर लेते हैं सीधे आज के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये आप देख सकते हो निकल के आ रही है राजस्थान की तरफ से, राजस्थान स्वास्थ्य शासन विभाग लिमिटेड विभाग की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है, जो कि बेसिकली राजस्थान नगर महापालिका की है। यहाँ पे से दो तरह की जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही हैं, ये आप देख सकते हो। पहली पोस्ट है असिस्टेंट टाउन प्लानर और दूसरी है इसकी सीनियर ड्राफ्ट्समैन की, यहाँ पे पोस्ट निकल के आ रही है। दोनों ही पोस्टों के लिए सिविल इंजीनियर कम्प्लीटली एलिजिबल है। इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 15 सितंबर 2021 रखी गई है। तो अभी अच्छा खासा टाइम है, आप लोग यहाँ पे चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। और थोड़ी अगर हम बात कर लेते हैं तो पोस्टें आप देख सकते हो, पहली पोस्ट असिस्टेंट टाउन प्लानर की काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, 49 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं ओवरऑल। सेकंड जो हमारी पोस्ट है वो है सीनियर ड्राफ्ट्समैन, कुल मिला के 79 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। तो आप देख सकते हो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, जो लोग चाहे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वालों को ही मिलेगा, बाकी अदर स्टेट्स को यहाँ पे एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये चीज़ अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे अप्लाई आप लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप साफ साफ देख सकते हो कि आपकी जो टाउन प्लानर की पोस्ट है उसमें यहाँ पे अगर आपने 4 साल का BE BTech या फिर BArch कर रखा है तो आप लोग यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल हो। इसी के अलावा यहाँ पे अगर आपने MEMTech कर रखा है इन अर्बन रीजनल ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट या फिर इन्वायरमेंट में तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 4 साल के BE BTech वाले यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल है, जो हमारी पहली पोस्ट है। और जो हमारी दूसरी पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है जैसे कि आप देख सकते हो सीनियर ड्राफ्ट्समैन की, तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया। तो अगर आपके पास ये है तो आप लोग यहाँ पे कम्प्लीटली अप्लाई कर सकते हो, बाकी पोस्ट काफ़ी अच्छी है, ठीक है, अपने हिसाब से बाकी देख लीजिएगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो ऐसे तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट हाँ अगर इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट खत्म होने से पहले जो कि 15 सितंबर है उससे पहले अगर आपकी मार्कशीट आ जाती है तो उस केस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो वो सैलरी यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है, आपको L14 और L10 के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलेगी, कुछ नहीं कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार के आसपास यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है, ये बात मैंने आपको बता दी है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से लेके 40 साल रखी गई है, तो अगर आप इस एज लिमिट में आते हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ
राजस्थान वालों को मिलेगा और स्टेट्स वालों को ऐसा ऐसा जनरल कैंडिडेट ही यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, अप्लाई करने का लिंक भी वहीं से मिल जाएगा। और थोड़ी अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी अगर हम फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपकी फीस 1400 रुपये रखी गई है। इसी के अलावा यहाँ पे अगर आप OBC हो तो यहाँ पे आपकी फीस 1200 रुपये है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपकी फीस 800 रुपये रखी गई है। तो फीस काफ़ी ज़्यादा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है, इसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं वो भी आपको यहाँ पे अपनी ही जेब से देने पड़ेंगे, तो इसीलिए फॉर्म ठीक से भरिएगा, ठीक है। फीस काफ़ी ज़्यादा है। खैर, और थोड़ी देर इसकी हम बात कर लेते हैं, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, यहाँ पे आपका एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि आपका MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यानी कि OMR शीट पे यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये बात मैंने आपको बता दी है। परीक्षा कब होएगी? सितंबर में होना इसकी परीक्षा टेंटेटिव है, बट हो सकता है कि इसकी परीक्षा आगे पीछे पोस्टपोन हो सकती है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा, बट वो टेंटेटिव है कि सितंबर में होना है। बाकी जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही है, ठीक है, बाकी अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो बेसिकली 2 घंटे का होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिला के 360 मार्क्स का यहाँ पे आने वाला है। पेपर का आप यहाँ पे देख सकते हो, बेसिकली हर चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है। मैक्सिमम मार्क्स 360 है। पार्ट 1 आपका 120 मार्क्स का और पार्ट 2 आपका 240 मार्क्स का रहने वाला है। हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको 3 मार्क मिलेगा, और हर नेगेटिव आपके यहाँ पे देयर विल बी, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, यानी कि 1/3 की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बाकी आप सिलेबस अपने हिसाब से देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे आपको राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा, इसी के अलावा सामान्य विज्ञान यानी कि जो जनरल साइंस होती है ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैथ्स आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी, इसी के अलावा मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग आएगी। फिर इसी के अलावा जो भी हमारा सिविल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आने वाला है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो। ले दे के पेपर तो अच्छा ही लेवल का आएगा, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पार्ट आने वाला है। ट्राई करने के लिए इसकी आप लोग ये वेबसाइट देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको जाना है ISGR.onlinerecruit.in। यहाँ पे आपको जैसे ही आपके सामने 2 पोस्टें खुल के आ जाएंगी, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो आपको क्लिक हेयर में अप्लाई करना है, और क्लिक हेयर में अप्लाई करने के बाद आप इसका प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, सिलेबस, नोटिफिकेशन हर चीज़ पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आप नेक्स्ट जाके भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपको अप्लाई करना, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसकी सारी जानकारी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.engineeringdestination.com पे मिल जाएगी। आपको गवर्नमेंट जॉब के सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप जाते हो, जैसे ही आप व्यू मोर पे क्लिक करते हो, आपके सामने ऐसी ये पोस्ट खुल के आ जाएगी। जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक, तीनों ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे आप चाहो अपने हिसाब से जाके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।